हेलो लर्नर्स वेलकम टू ट्यूब चैनल इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है की एलिमेंट है प्रोडक्ट ओके okay? तो प्रोडक्ट इज एनी एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़ दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में ऑफर किया जा सके सेल करने के लिए बेचने के लिए ठीक टू सेटिस्फाई क्यों बेचेंगे मार्केट में टू सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करना है ए वॉन्ट नीड और डिमांड यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्केट में ऑफर की जाए किसी भी वॉन्ट या नीड या डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो चीज़ क्या कहलाती है प्रोडक्ट कहलाती है ठीक इट इज़ अ बंडल ऑफ बेनिफिट ये बेनिफिट का बंडल होता है यानी कि कोई भी वो प्रोडक्ट में कोई ना कोई बेनिफिट होगा जिससे आपकी वॉन्ट नीड या डिमांड जो है कंज्यूमर या कस्टमर की वो फुलफिल होती है सेटिसफाई होती है फॉर एग्जाम्पल कोल्डगेट सॉफ्ट ड्रिंक रेफ्रिजरेटर कार फ्लैट अम्ब्रेला मेडिसिन लाइफ इंश्योरेंस बुक्स एटसेट्रा मीन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कोई ना कोई नीट वॉन्ट डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर के तो प्रोडक्ट इज एनी थिंग दैट सेटिसफाई द कस्टमर नीड वॉन्ट डिमांड कोई भी चीज़ हो सकता है वो गुड्स हो सकते हैं वो सर्विसेज हो सकती हैं वो पर्सन पीपल प्लेस प्रॉपर्टीज ठीक एक्सपीरियंस इवेंट कोई भी चीज हो सकती है जो नीड वांट को सेटिस्फाई कर दे वो प्रोडक्ट कहलाएगी क्लियर तो ये बंडल ऑफ बेनिफिट होता है अब हम बात कर ले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है तो प्रोडक्ट को नॉर्मली हम जो है तीन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे टेंजिबिलिटी के बेसिस पे और कंज्यूमर गुड्स के यूज के बेसिस पे तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स

तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं तो नाम से ही क्लियर है कि ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं तो द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं कुछ लंबे समय तक यूज कर सकते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे कि रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन क्लोथ ये क्या है आप इनको कई बार और कई महीनों तक कई सालों तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वहीं पे है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स दूसरा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी पे तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे तो वो प्रोडक्ट्स जिनको आप एक या दो बार या कुछ बार ही यूज़ कर सकते हैं उसके बाद वो क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं या फिर वो यूज़ करने लायक नहीं होते हैं विच कैन बी यूज फॉर वन और फ्यू टाइम्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक या दो बार ही आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद उनको आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी लिया उसके बाद दोबारा आप उसको नहीं पी सकते क्योंकि भाई वो कंज्यूम हो गया ख़त्म हो गया सोप हो गया आपने यूज़ किया एक तो एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में ख़त्म हो गया सारे एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स नॉर्मली जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं एफ एम सी जी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं तो क्या होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो आप उनको कंज्यूम करते चले जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर नया आ जाता है तो आप उनको री कई बार नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में क्या है कि उनको आप बार बार यूज कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन क्लोथ तो ये रीयूजेबल होते हैं ठीक नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं कि वो वन या टू टाइम्स होते हैं उसके बाद फिर आप उनको यूज नहीं कर सकते हैं ठीक अब अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी टेंजिबिलिटी मीन्स वो कि वो टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल है यानी आप उसको छू सकते हैं देख सकते हैं या फिर नहीं तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स विच कैन बी सीन एंड टस्ट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो टेंजिबल जो फिजिकली प्रेजेंट होता है जिसको आप छू सकते हैं देख सकते हैं पकड़ सकते हैं ठीक जैसे कि ऑल फिजिकल गुड्स एज सेल फोन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ये सारे क्या हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं इनको आप देख सकते हैं टच कर सकते हैं ठीक इनको यूज कर सकते हैं वहीं पर इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनको आप देख या टच नहीं कर सकते हैं ठीक विच कैन नॉट बी सीन एंड टचट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो इनटेंजिबल और ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप एक्सपीरियंस एंजॉय के साथ साथ देख सकते हैं टच कर सकते हैं ठीक है तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट कहलाते हैं तो इन प्रोडक्ट जैसे कि सभी सर्विसेज जितने भी सर्विसेज होती हैं सारी क्या होती हैं इनटेंजिबल नेचर की होती हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गए वो क्या है इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स आप हो इंटरटेनमेंट के लिए मूवी हॉल में जाते हैं वो क्या है सर्विसेज है आप जू में पार्क में जाते हैं वो क्या है सर्विसेज है तो वो इनटेंजिबल जगह होता है ठीक अब दूसरा तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ यूज तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स तो यहां पे हम कंज्यूमर गुड्स देखेंगे तो कंज्यूमर गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर फोर कैटेगरीज में तो पहला है कन्वीनियंस गुड्स तो कन्वीनियंस नाम से ही पता चलता है कन्वीनियंस में सुविधा सुविधाजनक तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उनको परचेज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं दैट आर परचेज फ्रीक्वेंटली इमीडिएटली एंड विथ मिनिमम एफर्ट तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं तुरंत परचेज किए जाते हैं और मिनिमम एफर्ट के साथ उनको परचेज़ किया जाता है जैसे कि सोप अब इसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं घर से बाहर निकले बगल में जो भी किराना स्टोर मिला वहाँ से गया परचेज कर लिए न्यूज़पेपर जो आपके कॉलोनी में आता है देने के लिए आप उसी से बात करके अपना यहाँ पे न्यूज़पेपर मंगवा लेते हैं एफ प्रोडक्ट नॉर्मली सारी चीज़ें क्या होती हैं किराना स्टोर पर जाते हैं परचेज कर लेते हैं तो फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं क्यों क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल होती हैं कंज्यूम कंज्यूम करते जाते हैं खत्म हो जाती हैं आपको और चाहिए होते हैं तो फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं इमीडिएटली और फिर विथ मिनिमम एफर्ट यानी ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं आप इसको इन सब प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो वो कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाते हैं तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट फर्दर जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है स्टेपल इम्पल्स और इमरजेंसी तो स्टेपल प्रोडक्ट कौन से होते हैं तो स्टेपल नाम से यानी कि परचेज ऑन रेगुलर बेसिस तो वो प्रोडक्ट जो रेगुलर बेसिस पे आप परचेज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टेपल प्रोडक्ट्स कहते हैं जिनको रूटीन परचेज के साथ आप परचेज करते हैं रूटीन परचेज यानी कि आपको पता है कि हाँ ये हर एक दो दिन बाद परचेज करने हैं जैसे वेजिटेबल सब्जी ये क्या है रूटीन परचेज होता है स्टेपल है रेगुलर बेसिस पर आप इसको परचेज करते हैं ठीक कोलगेट cool हो गया टूथपेस्ट हो गया सोप हो गया सब क्या है स्टेपल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं देन है इम्पल्स प्रोडक्ट इम्पल्स यानी कि आपने को कोई चीज़ देखी अच्छी लगी और आपने उसको परचेज कर लिया रास्ते में कहीं पे जा रहे थे घर से ऑफिस जा रहे थे ऑफिस से घर आ रहे थे आपको रास्ते में कोई चीज़ मिली आपने अच्छा लगा आपको और आपने उसको परचेस किया यानी कि आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी कोई सोचा नहीं था लेकिन आपको अच्छा लगा देख के और आपने उसको अपनी सुविधा हिसाब से हाँ जा रहे हैं रास्ते में मिल गया चलो खरीद लेंगे ठीक है तो परचेज सडनली विदाउट प्लानिंग तो इम्पल्स प्रोडक्ट कहलाता है जैसे आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं कहीं शॉप पे कोई परचेज किया आपने देखा कोई नई चॉकलेट आई है आपने चॉकलेट परचेज कर ली ठीक आप उसके लिए खरीदने नहीं गए थे चॉकलेट लेकिन आपको देखने में अच्छा लगा तो आपने उसको ले लिया कैंडी बार्स आपको कोई नई टॉफी देखी कुछ अलग सी टॉफी देखी तो आपने क्या किया उसको परचेज कर ले गया आप उसको परचेज करने नहीं गए थे लेकिन अच्छा लगे तो आपने परचेज कर लिया तो ऐसे प्रोडक्ट हम क्या कहते हैं इंपल्स प्रोडक्ट कहते हैं फिर आता है इमरजेंसी प्रोडक्ट तो इमरजेंसी प्रोडक्ट नाम से क्लियर है कि वो प्रोडक्ट जो इमरजेंसी में परचेज़ किए जाते हैं तो जब भी कभी आपको इमरजेंसी होती है तो फिर वहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ मुझे अभी इमरजेंसी है मुझे अभी चाहिए तो मैं अपनी सुविधा हिसाब सुविधा के हिसाब से वो प्रोडक्ट परचेज कर लूँगा तो इसीलिए इसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर रखा गया तो इमरजेंसी प्रोडक्ट जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी आप जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया चोट लग गई फर्स्ट एड चाहिए तो आप क्या उसके लिए दूर जाएंगे नहीं आप देखेंगे कि आसपास जो भी मेडिकल फैसिलिटी होगी वहां पर जाके आप जो है अपना फर्स्ट एड ले लेते हैं ठीक है तो मेडिकल फिर जा रहे हैं रास्ते में बारिश होने लगी रेनकोट अम्ब्रेला चाहिए तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको परचेज करते हैं तो इमरजेंसी प्रोडक्ट जो कि इमरजेंसी में खरीदे जाते हैं और कन्वीनियंस के बेसिस पे खरीदे जाते हैं तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होता है जो कि फ्रिक्वेंटली इमीडिएटली और विथ मिनिमम एफर्ट परचेज किए जाते हैं दूसरा कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स में शॉपिंग गुड्स तो शॉपिंग गुड्स नाम से क्लियर होगा शॉपिंग क्या है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो परचेज विथ प्लानिंग एंड कंपेरिजन ऑफ क्वालिटी प्राइस स्टाइल एक्सेट्रा तो शॉपिंग शॉपिंग गुड्स या प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक प्लानिंग के साथ और कंपैरिजन क्वालिटी प्राइस स्टाइल इन सब कर करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं जैसे कि फर्नीचर आप परचेज करने जाते हैं तो आप ये नहीं कि घर से निकले गए उठा ले के लेके चले नहीं पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कौ क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या प्राइस होनी चाहिए क्या स्टाइल होना चाहिए उसके बाद फिर आप जो है किसी दिन जाके उसको परचेज करते हैं क्लोदिंग आप गए चले या नहीं क्लोदिंग मेजर अपलाइंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ये सारी चीज़ें क्या है इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स जो आप प्लानिंग के साथ कंपैरिजन में उसकी प्राइस क्वालिटी को कंपेयर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की उसके बाद उसको परचेज़ करते हैं तो हम उनको क्या है? कहते हैं शॉपिंग गुड्स कहते हैं ठीक नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स नाम से क्लियर है कि ये गुड्स ये प्रोडक्ट्स क्या हैं स्पेशल होते हैं ये लाइफ टाइम में वन टू टाइम्स थ्री टाइम्स ही आप उसको परचेज करते हैं तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं स्पेशलिटी गुड्स परचेज वन और टू टाइम इन लाइफ और एंड आर स्पेशल ठीक एग्जाम्पल के तौर पर आप स्पेशलिटी गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जैसे कि कार ठीक फोटोग्राफिक इक्विपमेंट हो गया हाउस हो गया फ्लैट हो गया ये सारी क्या हैं स्पेशल गुड्स हैं आप लाइफ में वन टू या थ्री टाइम्स ही परचेज करते हैं ठीक कार आप कितनी बार परचेज करेंगे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम हाँ अगर आप बहुत ही अमीर हैं तो आप कई बार कितनी भी कार परचेज कर सकते हैं लेकिन एक मिडिल क्लास के देखें तो आप उनके लिए वो स्पेशल गुड्स होता है वो एक या दो बार ही कार परचेज़ करते हैं हमने लाइफ में हाउस हो गए फ्लैट्स हो गए ये भी क्या है लाइफ टाइम में वन या एक या दो तीन बार खरीद लिया बस उसके बाद उसको आप नहीं खरीदते हैं तो स्पेसिटिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं फिर नेक्स्ट है अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स मीन जिनके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं थी ना ही आपने उसके बारे में सोचा था तो कभी कभी ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था आपने कोई जानकारी नहीं होती लेकिन अचानक से आपको आके कोई बेचने लगता है आपको बताने लगता है तो फिर आप क्या कहते हैं उसको खरीद लेते हैं तो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इनसाइक्लोपीडिया आप ऑफिस से घर जा रहे थे घर से ऑफिस आ रहे थे रास्ते में बस में आप बैठे बस में कोई आया बुक बेचने के लिए कि सर ये बुक है बच्चों के लिए अच्छा है साइंस से रिलेटेड है इंसाइक्लोपीडिया तो अब वहाँ पे क्या वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कहलाता है लाइफ इंश्योरेंस कोई आगे आपके पास बेचने के लिए कि ये इंश्योरेंस आया आप इसको परचेज कर लीजिए आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा आपको समझाने लगता है तो वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा चाहिए होती है तो अगर हम देखें बात करें कंज्यूमर गुड्स की तो कंज्यूमर गुड्स जो है वो चार टाइप में डिवाइड होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट शॉपिंग प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स ठीक कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है स्टेपल प्रोडक्ट इम्पल्स प्रोडक्ट और इमरजेंसी प्रोडक्ट तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर गुड्स है अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज इंडस्ट्रियल गुड्स ठीक है तो वहां कंज्यूमर गुड्स देखा हमने पिछले वीडियो में पिछले साइड में और इस स्लाइड में देख रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स तो इंडस्ट्रियल गुड्स को भी फर्दर क्या है दो कैटेगरी में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मटेरियल एंड पार्ट कैपिटल आइटम और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज तो मटेरियल एंड पार्ट क्या है तो प्रोडक्ट दैट आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स यानी कि वो प्रोडक्ट वो चीज़ें जो किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको क्या कहते हैं मटेरियल एंड पार्ट्स कहते हैं तो जैसे कि रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल में क्या है व्हीट हो गया फ्रूट्स हो गए क्रूड ऑयल हो गए कॉटन हो गए फिश हो गए आयरन ओर्स हो गए ये सब क्या है रॉ मटेरियल हैं इनका यूज़ करके आप क्या करते हैं फिनिश गुड्स को बनाते हैं तो मटेरियल पार्ट में आता है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भी होते हैं जैसे स्टील आयरन और ये स्टील आयरन क्या है ये बनाए गए हैं लेकिन इनका यूज़ हम क्या करते हैं कोई दूसरा फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो इसलिए क्या है ये मैनुफैक्चर्ड मटेरियल है यानी ये भी रॉ मटेरियल है लेकिन मैनुफैक्चर्ड रॉ मटेरियल है एक रॉ मटेरियल जो कि नेचुरली होता है नेचुरली पैदा होता है लेकिन एक मैनुफैक्चर्ड रॉ मेटेरियल होता है जो कि हम बनाते हैं उसको बाद फिर फर्दर यूज़ करते हैं कोई दूसरा फिनिश गुड्स बनाने में जैसे कार है कार में व्हील हो गए टायर हो गए ट्यूब हो गए तो ये क्या है मैनुफैक्चर रॉ मटेरियल जिनका यूज करते हैं हम कार को बनाने के लिए तो मटेरियल एंड पार्ट्स दूसरा कैटेगरी है इंडस्ट्रियल गुड्स का कैपिटल आइटम तो कैपिटल आइटम नाम से क्लियर होगा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स दैट फैसिलिटेट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स को बनाने में जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं कैपिटल आइटम होते हैं जैसे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई ऑफिसेज हो गए मशीनरी हो गई जनरेटर्स हो गए एलिवेटर्स हो, हो गए ये क्या है लॉन्ग टर्म्स गुड्स यानी कि लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैनुफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं और तीसरा है सप्लाइज एंड बिजनेस सर्विसेज तो सप्लाइज एंड बिजनेस सर्विस कहते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैनुफैक्चरिंग को मैनुफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं जैसे कि पेंट रिक्वायरमेंट हो गई आप पेंट खराब हो गया आप दोबारा पेंट करा रहे हैं ब्रूम्स जो झाड़ू होती हैं कोल कोयला पेपर पेंसिल ठीक है ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं और जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं ये रिक्वायरमेंट होते हैं थोड़े थोड़े टाइम पर इनको आपको दोबारा ऑर्डर देना होता है इसी तरह से बिजनेस सर्विसेज भी हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ़ एसी फोटोकॉपी मशीन लीगल एडवाइस चाहिए आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए एडवर्टाइजिंग के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो इसके लिए भी अलग अलग जो है मार्केट में अलग अलग कंसल्टेंसीज अवेलेबल होती हैं आप उनसे क्या कहते हैं उनसे सर्विसेज लेते हैं तो ये क्या है सप्लाइज एंड बिजनेस सर्विसेज तो हमने देखा कि प्रोडक्ट को आप जो है ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल में क्लासिफाई कर, कर सकते हैं टेंजिबिलिटी के बेसिस पे टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल में क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके बाद यूज के बेसिस पे उसको कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्लासिफाई कर है सकते हैं कंज्यूमर गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है तो वो उसमें कन्वीनियंस गुड्स है यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट है स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, है और अनसॉर्ट प्रोडक्ट है ठीक है और वहीं पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल में मेटेरियल एंड पार्ट है कंप कैपिटल आइटम है और सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज है तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं हम सभी जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना तो वहां पे हमें सिर्फ कोर बेनिफिट ही नहीं मिलता बल्कि उस बेनिफिट के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोडक्ट भी दिए जाते हैं अब सपोज की आप वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं तो वॉशिंग मशीन को परचेज करने के जो हमारा बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है कि हमारे कपड़े धुल जाते हैं बिना हाथों से कपड़े धोए हुए हमें कपड़े जो है मशीन में धुल जाते हैं लेकिन इस कोर बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है कंपनी टेंजिबल और इनटेंजेबल प्रोडक्ट भी देती है जैसे कि बॉक्स होगा मोटर मोटर होगा उसमें ड्रायर भी होगा ठीक है उसमें स्विच लगे होंगे वायर लगे होंगे पाइप लगा होगा पानी डालने के लिए और पानी निकालने के लिए तो ये जो है ये टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गए जो कि उस कोर बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए दिया जाए कोर बेनिफिट क्या है कपड़े धुल जाना अब कपड़े कैसे अपने आप थोड़े धुल जाएंगे उसके लिए मोटर लगा होगा बॉक्स लगा होगा वायर लगा होगा पानी जो है ड्रायर और लगा होगा ये सारी चीजें मिलती हैं ये टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गए तो कोर बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ दिए जाते हैं यही चीज होता है लेवल ऑफ प्रोडक्ट इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल समझिए होटल में तो आप होटल में जो रूम बुक करते हैं तो वहाँ पे आपका जो कोर बेनिफिट हो तो होता है लेकिन मतलब बेड दिया जाएगा कंबल दिया जाएगा तकिया लगा होगा चेयर होगा बाथरूम होगा टॉवेल होंगे लाइटिंग होगी टीवी लगा होगा अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जो फुलफिल करने के लिए दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से यही चीज लेवल ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है ऑफ प्रोडक्ट का ये दिया गया था फिलिप कोटले द्वारा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट में पांच लेवल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में यानी कि जब भी कोई आप चीज़ परचेज करते हो तो पाँच लेवल हो हो सकते हैं सबसे पहला कोर कोर बेनिफिट बेनिफिट यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो कुछ कुछ ना कुछ उसका होता है वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हो तो कपड़े धुलना जो है वो कोर बेनिफिट है रूम परचेज कर रहे हो तो रेस्ट एंड स्लिप वो कोर बेनिफिट है लेकिन उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे और प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो कि कुछ बेसिक प्रोडक्ट होते हैं कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं कुछ ऑगमेंटेड होते हैं और कुछ पोटेंशियल प्रोडक्ट होते हैं तो एक एक करके हम इन सभी को देख

वॉन्ट यानी कि कोर बेनिफिट क्या होता है वो बेनिफिट जो कि बेसिक नीड होती है कस्टमर की वो उसको फुलफिल करता है जैसे ए होटल गेस्ट बाइंग अ रूम फॉर रेस्ट एंड स्लीप तो होटल में गेस्ट रूम परचेज करता है क्यों परचेज करता है जैसे कि वो आराम कर सके सो सके लेकिन इस बेनिफिट को पाने के लिए और सारे प्रोडक्ट जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है जैसे उसको कहते हैं सबसे पहले आता है जेनरिक एंड बेसिक प्रोडक्ट कोर बेनिफिट को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट या जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं अब होटल में आपको सोने जाना है तो क्या आप नीचे फर्स्ट में सो जाएंगे नहीं आपको होटल में बेड चाहिए होगा बाथरूम होना चाहिए डेस्क होना चाहिए चेयर टॉवल ये सारी चीजें होनी चाहिए तो यही चीज बेसिक प्रोडक्ट कहलाता है तो बेसिक प्रोडक्ट क्या हो गया कोर बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिक प्रोडक्ट कहते हैं प्रोवाइड एचुअल प्रोडक्ट विथ टेंजिबल बेनिफिट्स तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट था क्या रेस्ट एंड स्लिप उसके लिए टेंजिबल प्रो, प्रो जो है वहाँ पे आपको चीजें दी जाती हैं जैसे कि होटल में रूम हो गया तो आपने बेड भी मिलेगा बाथरूम मिलेगा डेस्क होगा चेयर होगा टॉवल होगा तो ये क्या हो गया बेसिक प्रोडक्ट हो गया तभी तो आपका कोर बेनिफिट आपको मिलेगा तो आप वॉशिंग मशीन परचेज करें तो वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुल जाएंगे बिना बॉक्स के बिना वाटर के बिना ड्रायर के नहीं बिना मशीन के नहीं हो पाएंगे तो वो सारी चीजें क्या होगी बेसिक प्रोडक्ट हो गए वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं तो हाँ ये तो हम मान के चलेंगे हाँ उसमें बॉक्स होगा मोटर लगा होगा पानी आएगा पानी निकलेगा ये बेसिक प्रोडक्ट हो गए क्लियर फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि अगर बेड है तो बेड साफ सुथरा होगा अगर बाथरूम है तो बाथरूम साफ सुथरा होगा तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है तो ऑफर्स जेनरिक प्रोडक्ट प्लस अदर एट्रीब्यूट कस्टमर वॉन्ट यानी कि जो जेनरिक प्रोडक्ट है हमारा कोर बेनिफिट फुलफिल करने के लिए जो जेनरिक प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ कुछ और कस्टमर एक्सपेक्ट करता है वो सारी चीजें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आ जाती हैं कस्टमर एक्सपेक्ट दीज एट्रीब्यूट वाइल बाइंगे प्रोडक्ट यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है कस्टमर तो ये एक्सपेक्ट करता है

आपने कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा जो है कस्टमर को दे दिया जाता है तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया क्लियर बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन ये क्या होता है ये बियॉन्ड कस्टमर इसमें कस्टमर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हाँ ये भी चीज़ें मिल जाएंगी मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करके लेकिन वो कस्टमर को मिल जाती हैव एडिशनल एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर यानी कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करती है और जिसकी वजह से कंपटीटर से भी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जैसे ट्वेंटी फोर रूम सर्विस आप जाइए हमारे रूम में

वहीं एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है तो पोटेंशियल फुल ऑटोमेटिक दोनों में ही कोर बेनिफिट क्या है दोनों में ही आपको जो है कपड़े धुलेंगे लेकिन एक सेमी ऑटोमेटिक है और एक जो है फुली ऑटोमेटिक कपड़े डाले निरमा डाला और पूरा कपड़ा ड्राई करके आपको जो है बाहर निकाल के दे देता है इज पोटेंशियल प्रोडक्ट क्लियर तो प्रोवाइड एडिशनल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट पोटेंशियल में क्या होता है एडिशनल टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है ये कोर बेनिफिट नहीं होता हम जो है बस इसको एक तरीके से कह लीजिए कि शोबाजी वाला तरीका होता है कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल प्रोडक्ट में आपको जो है दिखाई दिखावट वाली चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी जैसे से आप रूम बुक कर सकते हो सिंपल सा या फिर आप हवेली बुक कर लो सूट बुक कर लो यहां पे कंपनीज दे रही हैं कि आप रेस्टरेंट स्लीप ही यानी कि आराम करना है स्लीप ही करना है लेकिन आप चाहे तो एक रूम में नॉर्मल रूम में बुक कर लीजिए चाहे ए रूम बुक कर लीजिए चाहे आप हवेली बुक कर लीजिए सूट बुक कर लीजिए तो पोटेंशियल प्रोडक्ट तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्ट होते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोर बेनिफिट होता है उस कोर बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ उसमें बेसिक प्रोडक्ट होते हैं कुछ कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें होंगी उसके अलावा जब कंपनी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें कुछ ऑगमेंटेड भी देती है दे कुछ पोटेंशियल प्रोडक्ट भी कर देती है so तो लेवल ऑफ प्रोडक्ट। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी के पास अगर जब वो डिसाइड करते कि उनको नया प्रोडक्ट चाहिए तो उनके पास दो ऑप्शन होता है पहला कि मेक यानी कि वो खुद नया प्रोडक्ट बना लें मैन्युफैक्चर और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट या फिर बाय यानी कि परचेज कर लें किसी दूसरी कंपनी से उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो किसी भी कंपनी के पास ये दो ऑप्शन होते हैं जब भी उनको नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या तो वो खुद बनाएं उस प्रोडक्ट को या फिर वो किसी दूसरी कंपनी से उसको एक्वायर कर लें परचेज कर लें तो अब अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि उनको प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट चाहिए उनको खुद बनाना है तो ऐसे केस में क्या प्रोसेस होता है क्या स्टेप्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फॉलो किए जाते हैं तो ये एट स्टेप प्रोसेस होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो नॉर्मली कंपनीज़ फॉलो करती हैं सबसे पहला स्टेज होता है आइडिया जनरेशन तो हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है आइडिया जनरेट करना पड़ता है जनरेशन ऑफ आइडिया फॉर पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन तो हम आइडिया जो है जो आइडिया प्रोस्पेक्टिव आइडियाज़ हो सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा प्रोडक्ट ना बनाएँ वो हम चैनल मेंबर से कंपनी के सेल्स फोर्स से कस्टमर्स को इंक्रेज करके उनसे डेटा कलेक्ट करके टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू या फिर ब्रेन स्टॉमिंग एक, एक, एक टेक्निक होती है जहां से हम बहुत सारे आइडियाज क्रिएटिव आइडियाज जो है हम जनरेट कर सकते हैं जिसमें कि क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो जो है कंपनी के आउटसाइड और इनसाइड साइड इन्वॉर्मेंट के बेसिस पे बहुत सारे आइडियाज डेवलप करते हैं तो जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज डेवलप हो जाते हैं प्रो, पोटेंशियल प्रोडक्ट के लिए उसके बाद हमको एक बेस्ट आइडिया चूज करना पड़ता है तो फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप इज आइडिया स्क्रीनिंग यानी कि इवाल्यूटिंग डिफरेंट आइडियाज एंड चूजिंग बेस्ट वन तो आपके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्शन आ गए कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शन आ जाते हैं आइडिया जनरेशन के बाद कि हम ये भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं अब आप उनको उनमें से आपको बेस्ट आइडिया चूज करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं यानी कि सेल्स के बेसिस पे प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे प्रॉफिट के बेसिस पे कंपटीटर्स के रिस्पॉस के बेसिस पे आप जो है अलग अलग फैक्टर पर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे सभी आइडिया को सभी पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन जो आपके पास है उनको इवालुएट करते हैं और उसके बाद उनमें से कोई बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं इसी स्टेज पर स्क्रीनिंग के स्टेज पर ही नॉर्मली कंपनीज से दो टाइप के एरर भी हो जाती हैं एक है गो एरर गो एरर का मतलब होता है जब आप किसी गलत आइडिया के साथ मूव ऑन कर जाते हैं प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और दूसरा है ड्रॉप एरर ड्रॉप एरर का मतलब कंडक्ट अच्छा कर लेती हैं कंपनी से गलतियां हो जाती हैं तो आइडिया स्क्रीनिंग के स्टेज पर ध्यान रखना कि आपको बेस्ट आइडिया चूज करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करना है तो आपको सबसे पहले आइडिया जनरेट करना होता है फिर आइडिया बेस्ट आइडिया चूज करना होता है आइडिया स्क्रीनिंग के थ्रू उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट डेवलप टेस्टिंग अब आपका क्या पास क्या है कि आपके पास एक आइडिया बेस्ट आइडिया कंपनी के पास आ जाता है उसके बाद उनको एक ब्लू स्टोरी बोर्ड मॉडल तैयार करना पड़ता है उस आइडिया को लेके उस जो पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑप्शन उनके पास आ गया है उसको लेके एक मॉडल एक स्टोरी बोर्ड एक ब्लू प्रिंट तैयार करना होता है और उसको टेस्ट करना होता है कि यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर उसको लाइक like करेगा या डिसलाइक करेगा इंटरेस्ट कितना होगा परचेज करने के लिए कस्टमर्स को इन सबको चेक करना होता है तो मॉडल तैयार करके हम उसको टेस्ट करते हैं अगर वो मॉडल सक्सेसफुल होता है वो ब्लू प्रिंट सक्सेसफुल कस्टमर द्वारा लाइक किया जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं दैट इज़ मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट यानी कि जो हमने प्रोडक्ट चूज करने की चूज किया है कि हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे उसके लिए मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं यानी कि पी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा फॉर्म फीचर्स क्वालिटी कंफॉर्मेंस ये सारी चीजें पैकेजिंग लेबलिंग ये कैसे होगी वारंटी गारंटी क्या देंगे प्राइसिंग कैसे करेंगे प्रमोशन कैसे करनी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होगा उस प्रोडक्ट के लिए ये सारी स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं उसके बाद हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं बिजनेस एनालिसिस में इसकी हम बिज़नेस में चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस को प्रॉफिट होगा ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी होगी मार्केट साइज़ क्या होगा डिमांड कितना होगा फिनांशियल प्रोजेक्शन हम देखते हैं कि हमें सेल्स या प्रॉफिट कितना होगा क्या प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के ओवरऑल मिशन स्ट्रेटजी पर फिट बैठेगी ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं एनालाइज़ करते हैं

उसके बाद हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को कॉमर्सलाइज करते हैं यानी कि पब्लिक के लिए लॉन्च कर देते हैं लॉन्चिंग द प्रोडक्ट फॉर सेल टू पब्लिक यानी कि अब पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है तो लॉन्चिंग यानी कि जब आप लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए तो उस वक्त भी आपको कई सारी चीज़ें ध्यान देनी देने जैसे कि वैन यानी टाइमिंग क्या होगी लॉन्च करने की फ़र्स्ट एंट्री पहले एंट्री लेट एंट्री अगर सपोज करिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट कोई आपका कंपिटीटर भी बना रहा है तो ऐसे में आपको सोचना होता है कि जो कंपटीटर से पहले आपको लॉन्च करना है दैट इज़ फर्स्ट एंट्री कंपिटीटर के साथ लॉन्च करना है पब्लिक के लिए तो दैट इज इजल एंट्री और कंपिटीटर के लॉन्च करने के बाद आप लॉन्च करेंगे अपना प्रोडक्ट तो दैट इज लेट एंट्री तो आपको टाइमिंग डिसाइड करनी है कि आपको कब लॉन्च करना है देन वेयर यानी कि आपको कहाँ लॉन्च करना है हाउ कैसे लॉन्च करना है और बाई होम यानी कि, कि किसके द्वारा लॉन्च करवाना है पब्लिक जो जैसे कि बॉलीवुड स्टार से है या फिर किसी क्रिकेट स्टार से या फिर आप जो है किसी पॉलिटिशियन से लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अलग अलग जो है तरीके हैं सबके वो किसके थ्रू लॉन्च करवा सकते हैं तो आपको जब आप अपना प्रोडक्ट कॉमर्सलाइज कराते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि कब कहाँ कैसे लॉन्च करना है तो ये आठ स्टेप के प्रोसेस है जो कि सभी कंपनीज न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त फॉलो करती हैं आइडिया जनरेशन आइडिया स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग मार्केट स्टडी डेवलपमेंट बिजनेस एनालिसिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट टेस्टिंग उसके बाद फिर कॉमर्सलाइज कर देते हैं तो आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में देख सकते हैं आइडिया जनरेशन आइडिया स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग उसके बाद मार्केट स्टडी डेवलप करते हैं बिजनेस एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है टेस्ट करते हैं उसको उसके बाद कॉमर्सलाइज कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन देखिए डिफ्यूजन मीस उस फैलना डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूज हो जाना फैल जाना इनोवेशन यानी कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है कोई नया क्रिएटिविटी मार्केट में आता है कोई नई सर्विस आ रही है तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन तो कोई भी मार्केट में जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो कैसे जो है मार्केट में जो है पूरे मार्केट में फैलता है कितने टाइम पीरियड में फैलता है उसी को क्या कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज ए थ्योरी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ वाई एंड एट वॉट रेट न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी इस प्रति यानी जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कोई नया आइडिया आता है तो वो कैसे क्यों और किस रेट पर जो है फैलता है कस्टमर्स के बीच में मार्केट मार्केट में उसी को उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं इज ए थ्योरी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज ए थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आइडिया और प्रोडक्ट ऑफरिंग गेंस पॉपुलैरिटी और डिफ्यूज थ्रू सोशल सिस्टम एंड कल्चर तो कैसे जो है किसी एक पर्टिकुलर में एक महीने में एक वीक में कैसे कोई आइडिया कोई प्रोडक्ट है जो पॉपुलर हो जाता है जो आप कहते हो ना वायरल हो गया वायरल हो जाना मतलब कि कितनी जल्दी कोई चीज वायरल होती है यानी कि कितनी चीज जल्दी जो है लोगों को उसके बारे में पता चलता है कई बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा कई जगह पर वीडियो देखते होंगे तो आप उसको तो जब तक तो पता चलता है तब तक तो पता चलता है कि वो एक हफ्ते पुराना वीडियो होता है तो यानी कि उसको स्प्रेड होने में कितना टाइम लग गया एक हफ्ते लग गया तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई आइडिया कोई प्रोडक्ट ऑफरिंग कैसे पॉपुलर होता है किसी सोशल सिस्टम में कल्चर में मार्केट में तो उसी को क्या कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं तो एवरेट रॉजर्स थे जो कि प्रोफेसर है कम्युनिकेशन स्टडीज़ के उन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया था उन्होंने बुक लिखी थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो कि नाइनटीन सिक्सटी टू में पब्लिश हुई थी उसी में जो है उन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जो है पॉपुलराइज किया कि डिफ्यूजन इनोवेशन भी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कोई एक टर्म होता है कोई टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि इनोवेशन कैसे जो है डिफ्यूज होता है मार्केट में सोसाइटी में उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आई होप क्लियर हुआ कि कैसे किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई idea, कोई नया कोई नया आइडिया कोई नया प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर होता है किसी मार्केट में कैसे लोग कस्टमर, जा, कस्टमर जानते हैं कब जानते हैं कई बार होता है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है लेकिन एक्चुअली वो मार्केट में होते हैं क्यों क्योंकि उसका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है स्लो है वो जल्दी से डिफ्यूज नहीं हुआ तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बेसिस पे कस्टमर्स को जो है फाइव कैटेगरी में बांटा गया है इनोवेटर अर्ली अडॉप्टर अर्ली मेजोरिटी लेट मेजोरिटी और लेगार्स यानी कि कैसे कितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट करते तो जो इनोवेटर होते हैं तो जैसे ही कोई नया मार्केट में नया इनोवेशन होता है तो उसको जो जल्दी तुरंत जो है एब्जॉर्व करते हैं तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं इनोवेटर और नॉर्मली टू होते हैं टोटल मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं उसमें से टू कस्टमर्स जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं और जो जैसे ही कोई नया मार्केट में इनोवेशन होता है उसको तुरंत वो जो एक्सेप्ट करते हैं उसको तुरंत परचेज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ली एडॉप्टर वो थर्टीन होते हैं टोटल का थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट लोग होते हैं जो कि अर्ली डॉक्टर कहलाते यानी कि जो इनोवेटर के बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसके बाद फिर अर्ली मेजोरिटी आते हैं जो कि 34 परसेंट होते हैं उसके बाद लेट मेजोरिटी आते आते हैं जो कि 34 परसेंट होते हैं फिर लास्ट में लेगार्ड्स आते हैं यानी कि जब अब उसके बिना काम चलेगा ही नहीं तब वो लेगार्ड्स वाले जो कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि अब चलो खरीद ही लेते हैं जैसे कि अब टाइम पर क्य होगा कि अब बिना मल्टी फोन के आपका कोई काम ही नहीं होगा तो अब आपने क्या किया कि मल्टी फोन परचेज किया नहीं तो अभी तक आप बेसिक फोन ही यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइप के कस्टमर्स को हम क्या कहते हैं लेगार्ड्स कहते हैं तो अर्ली इनोवेटर इनोवेटर्स आर टेक्नोलॉजी इन्थोसिस्ट ये क्या होता है टेक्नोलॉजी इन्फोसिस्ट होते हैं कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी तो जाके मार्केट में इसको परचेज कर लेते हैं तो उस टाइप के को क्या है? होते हैं इनोवेटर्स होते न्यू सेंसिटिव एंड विलिंग टू एडॉप्ट प्रोडक्ट इफ गिवन पर्सनलाइज सोल्यूशन एंड गुड सर्विस सपोर्ट तो अर्ली कौन से होते हैं जो कि ओपिनियन लीडर टाइप के होते हैं और कंपिटेटिव एडवांटेज नई टेक्नोलॉजी है जो एजिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसके बीच में एडवांटेज ज्यादा है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है एडवांटेज फिर जो परचेज करते हैं उसमें प्राइस सेंसिटिव ज्यादा नहीं होते हैं ये लोग तो उसको एजॉव करके उसके बाद ये ये ओपिनियन अपना देते हैं कि प्रोडक्ट हाँ, सही है फिर नहीं सही है उसके बाद अर्ली मेजोरिटी होते हैं हु द न्यू टेक्नोलॉजी वैन इट्स बेनिफिट आर प्रूवन एंड ए लॉट ऑफ एडॉपशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेसेस तो जब अर्ली अडॉप्टर जो ओपिनियन लेडर होते हैं ये अपना ओपिनियन दे देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है इसको यूज करना चाहिए हाँ ये प्रोडक्ट खराब है इसको नहीं यूज करना चाहिए तो जब ये ओपिनियन फैल जाता है तो उसके बाद जो लोग कस, जो कस्टमर जो है इसको एडॉप्ट करते हैं इनोवेशन को उनको क्या कहते हैं अर्ली मेजोरिटी न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी शायी होते हैं है, एक्सेप्ट है। है, नहीं, है, नहीं करते है और प्राइसटिव भी होते हैं प्राइस को भी फैक्टर देखते हैं तो इनको क्या कहते हैं लेट मेजोरिटी और लास्ट में ट्रेडिशनलीउंड होते हैं और इनोवेशन को रजिस्ट करते हैं इनोवेशन चाहते ही नहीं है लेकिन लेकिन जब होता है कि अब उसके बगैर काम ही नहीं चल पाएगा तो फिर ये क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनोवेशन के जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है उसके बेसिस पे कस्टमर्स को इन पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनोवेटर्स टू पॉइंट फाइव परसेंट अर्ली अडॉप्टर थर्टीन पॉइंट फाइव अर्ली मेजोरिटी थर्टी फोर परसेंट लेट मेजोरिटी नेक्स्ट थर्टी फोर परसेंट और लेगार्स लास्ट सिक्सटीन परसेंट ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के यानी कि जैसे ही मार्केट में नया प्रोडक्ट आया सबसे पहले इनोवेटर पहुंच जाते हैं फिर अर्ली डॉक्टर उसको यूज़ करते हैं फिर अर्ली मेजोरिटी वाले यूज करते हैं फिर जो लेट मेजॉर्टी कैटेगरी के कस्टमर्स आते हैं फिर लगाट्स वाले चले जाते हैं जब वो पूरे मार्केट में चल जाता है उसके बगैर काम नहीं चल सकता है हम सभी ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में तो जानते होंगे कि सबसे पहले ह्यूमन बींग का बर्थ होता है उसके बाद फिर वो चाइल्ड स्टेज में आता है देन वो टीन में जाता है देन वो एडल्ट फेज में आता है उसके बाद फिर वो ओल्ड स्टेज में आता है और फिर फाइनली डेथ हो जाती है तो ये क्या है ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ता है ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट में जाता है और एक एंड आता है एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस ह्यूमन की लाइफ साइकिल एंड हो जाती है तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पार करते हैं तो यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है तो फिलिप कोल्टर ने कहा था कि द यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग स्टेज इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट तो पीएलसी क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके डिस्टिंग स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे तो फिगर में क्या है कि टाइम के साथ जैसे जैसे सेल्स ग्रो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आ रहे हैं यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे पहले क्या होता है जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन फेज यानी कि बच्चे का जन्म होता है तो जो दुनिया में वो इंट्रोड्यूस होता है तो उसी तरीके से जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट हो इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोडक्शन फेज जैसे, जैसे जैसे उसकी क्या होती है धीरे धीरे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी उसकी सेल्स बढ़ेगी यानी ग्रो करने लगेगी फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे यानी कि वो क्या हो गया मेच्योरिटी यानी कि अब उससे ज़्यादा उसकी सेल नहीं होगी अब वो मेच्योर हो गया यानी कि मैक्सिमम कस्टमर उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी सेल्स डिक्रीज होने लगेगी क्यों क्योंकि क्यों मार्केट में और भी कंपटीटर आ गए अब उसकी सेल क्या होगी डिक्रीज होने लगी यानी कि सेल घटने लगी और यानी कि एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसका सेल जो है ज़ीरो हो जाएगा वो मार्केट से बाहर चला जाएगा तो बहुत सारे आपने ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे कि जो मार्केट में आते हैं लॉन्च होते हैं उनको खरीदते हैं लोग और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ले लीजिए कि सी और डी जो हम परचेज करते थे एक टाइम आया था वो बूम पर था और आज के टाइम पर क्या हो गया कि सी डी रेयरली कोई यूज़ करता है अब उसको यूज़ ही नहीं करते फ्लॉपी डिस्क एग्जाम्पल लीजिए फ्लॉपी

ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं और प्रोडक्ट उनका डिमांड में नहीं आता या फिर उसकी डिमांड नहीं होती फेल हो जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं तो उनका ग्रोथ और मेच्योरिटी का फेज आया ही नहीं तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट सभी स्टेजेस को टच करें जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है ना कि ह्यूमन बींग में क्या होता है कि जो यही कि सारे लोग बुढ़्ढे होने के बाद ही मरे कुछ लोग होते हैं जो बीमारी की वजह से एक्सीडेंट की वजह से पहले भी उनकी डेथ हो जाती है तो सारे स्टेज वो ह्यूमन लाइफ के पार नहीं कर पाते हैं तो इसी तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो चारों स्टेज होते हैं जो ही नहीं कि सभी प्रोडक्ट इन चारों स्टेजेस को पार करें

ट होती ही नहीं एक तरीके से तो यहां पर हम बात कर ले की यानी कि कंपनी को इंट्रोडक्शन स्टेज में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए तो चार टैक्टिक हैं तो अकॉर्डिंग टू तो फिलिप कोटलर देर आर फोर टैक्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन फेज तो सबसे पहले आता है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी देखिए दो वर्ड हैं स्कीमिंग और पेनिट्रेशन स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई यानी कि क्रीमी लेयर और पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस जाना तो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ पे कंपनी जो है हाई प्राइस यानी कि हाई प्राइस चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए और हाई प्रमोशन भी करती है तो दैट इज कॉल्ड रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी यानी कि क्या होता है इंट्रोडक्शन फेज है तो यहाँ पर कंपनी का मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज्यादा मतलब हायर प्राइस रख के हम क्रीमी लेयर जो ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं कस्टमर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिया जाए तो हमारा प्रॉफिट बटे बजट हो जाएगा तो रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटी यहां पे क्या होता है कि कंपनी प्राइस भी ज्यादा रखती है और प्रमोशन भी खूब करती है वहीं पर दूसरी स्ट्रेजी स्लो स्किमिंग स्ट्रेटी जब कंपनी को ये दिक्कत नहीं होती कि प्रॉफिट जल्दी से जल्दी रिकवर करने की दिक्कत नहीं होती तो क्या करती है प्राइस को ज्यादा रखती है लेकिन प्रमोशन लो रखती है प्रमोशन पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती लेकिन प्राइस को ज्यादा रखती है तो उसको कहते हैं स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटी वहीं पर दूसरा जो तीसरा स्ट्रेटजी है दैट इज रैपिड पे क्या होता है घुसना तो भाई आपको अंदर किसी चीज के अंदर घुसना है ना तो आपको छोटा होना पड़ेगा यानी कि प्राइस को कम करना पड़ेगा तो लो प्राइस हैवी प्रमोशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए जियो का देखा होगा मार्केट में थी, थी, एंट्री सब कुछ तो लोग जाके खूब सारा जियो का सिम परचेज कर लिए तो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटी उसी तरीके से आता है स्लो, पेनिट्रेशन हाँ पे स्लो में क्या होगा कि प्राइस भी लो होगी और प्रमोशन भी लो होगा तो चार स्ट्रेटी होती है कंपनी के पास जो इनमें से जो भी उनके अकॉर्डिंग सुटेबल होता है वो यूज कर सकते तो रैपिड यानी कि हाई प्राइस हाई प्रमोशन स्लो स्कीमिंग स्ट्रेजी हाई प्राइस लो प्रमोशन, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेजी यानी लो प्राइस हैवी प्रमोशन और स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेजी यानी कि लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन इंट्रोडक्शन फेज में चार फेज होते हैं अब आता है अगला ग्रोथ फेज़ यानी कि जब मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अब क्या होगा धीरे धीरे प्रमोशन होगा तो जब प्रमोशन होगा तो कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में और लोग उसको ट्राई करेंगे यानी कि पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस प्रमोशन होगा टाइम के साथ धीरे धीरे लोग जानना शुरू करेंगे तो मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और सेल्स उसकी बढ़ेगी सेल्स बढ़ेगी तो बट ऑब इस कि क्या होगा स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ हमारे प्रॉफिट आ रहा है नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे और स इंक्रीज होगा तो ये ग्रोथ स्टेज में होता है यानी कि सेल्स बढ़ रही होगी कस्टमर्स बढ़ रहे होंगे प्रॉफिट बढ़ रही होगी हर चीज ग्रो कर रही होगी क्लियर तो इस स्टेज में क्या करना होता है कंपनीज को तो इस स्टेज में बट ऑबिस उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना चाहिए नए नए एट्रीब्यूट्स ऐड करते रहना चाहिए स्टाइल्स जो भी है प्रोडक्ट का उसको चेंज करते रहना देखते रह, आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो अपने पैकेजिंग में चेंज करते रहते हैं बिस्किट के डिजाइन में चेंज करते रहते हैं यानी कि कुछ ना कुछ वो एडिशन करते रहते हैं सेलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ ये नहीं कि दुकान पे जाके मिलेगा आप वो ऑनलाइन भी लेके चले आएंगे तो नए नए चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है यूज करते रहते हैं रिडक्शन इन प्राइस पे क्या होता है कि प्राइस में भी वो कुछ ना कुछ कटौती करते रहते हैं प्रमोशन बढ़ाएंगे और एंटरिंग न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट और यहां पर जो है वो नए नए सेगमेंट में एंटर करने लगती है जैसे आप बुक पब्लिश कर रहे हैं तो बुक पब्लिश करें तो अभी तक जो है आपने सिर्फ टेंथ और ट्वेल्थ के लिए बुक पब्लिश करते थे अब जो है आप बुक पब्लिश दूसरे के लिए भी कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट इज इंट्री new segment of market. देन आता है ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी स्टेजेस मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे हायर सेल होता है पीक सेल होता है ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स ग्रो कर रहा था ना अब यहाँ पे आके वो रुक जाता है यानी हाईएस्ट सेल होती है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में क्यों क्योंकि अब जो है खूब सारा प्रमोशन हो चुका है और जितने जो पोटेंशियल कस्टमर्स थे आपके वो इस स्टेज पर एक्सेप्ट कर चुके हैं आपका प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर हाई प्रॉफिट भी होगा बट जब सेल्स हाइस्ट होगा तो प्रॉफिट भी हाइएस्ट होगा और प्रोडक्ट हैज़ बीन अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाई मोस्ट पोटेंशियल यानी कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी बायर हो सकते थे वो बायर्स अब यहां पे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं यानी कि सेल्स भी होगी प्रॉफिट भी हाइएस्ट होगी प्रॉफिट स्टेबिलाई और स्टार्ट डिक्लाइन अब यहीं से क्या होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है क्यों क्योंकि अब जो है यहां पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना तो बट ऑबिस कस्टमर स्विच करने लगेगा आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर तो आपकी सेल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ग्रोथ भी जो प्रॉफिट है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है तो मेच्योरिटी स्टेज पीक सेल होता है हाई प्रॉफिट होता है सेल्स यहां से गिरना स्टार्ट हो जाती है कस्टमर स्विच करना स्टार्ट हो जाते हैं कॉम्पिटिशन यहां पर बढ़ने लगता है तो इस स्टेज में मेचोरिटी स्टेज में जो कंपनीज़ को स्ट्रेटी लगानी चाहिए चीज़ वही चीज़ें हैं जो अभी आपने ग्रोथ में देखी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें जो यूजेज़ हैं उसको चेंज करें उसको इंक्रीज़ करें यानी कि जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर यूज़ कर रहा है ना वो उसके और भी सारे आप जो उसमें एडिशन करें कुछ नए नए बेनिफिट्स या यूटिलिटीज़ उसको डालें यानी आप उसको स्कीम्स दें ऑफर्स दें फॉर्मिंग न्यू बायर्स हैं यहाँ पर कोशिश करें कि नए नए बायर्स जो है आपके और एड हों या जो छोड़ चुके हैं वो भी जो है आपके दोबारा से बायर बन जाए डिवाइजिंग इफेक्टिव प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम तो आपको यहां पे अच्छा से अच्छा प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम करना होगा इस स्टेज पे जिससे कि जो कस्टमर हैं वो आपके साथ बने रहें जो हैं और जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी दोबारा से वापस आएं क्लियर अब लास्ट स्टेज आता है दैट इज डिक्लाइन स्टेज तो सभी को पता होगा डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि सेल्स जो है वो नीचे चला जाएगा प्रॉफिट डिक्रीज करेगा कस्टमर जो है वो स्विच कर रहे होंगे दूसरे प्रोडक्ट पे क्यों क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और आपका प्रोडक्ट काफी टाइम से मार्केट में है अब उसका जो है अल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है कॉम्पिटिशन की वजह से तो लोग उस पर स्विच करने लग जाते हैं क्लियर क्यों और ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपसे सस्ता प्रोडक्ट उनको मिल जा रहा हो या फिर जितने पैसे आप, आप में खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में उनको कोई और अच्छा प्रोडक्ट आपसे मिल जाता है तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो स्विच कर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट क्या है सेल्स गिरने लग जाती है तो यहां पर भी आपके पास वही स्ट्रेटजी है या तो आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करें प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएं अच्छा सा अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉस्ट को कंट्रोल करें अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो प्रोडक्ट को बंद कर दें प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बंद कर दें और दूसरे पे ध्यान दें तो ये यह चीजें यहां पे डिक्लाइन स्टेज में ये स्ट्रेटजीज आपके पास हो सकती हैं तो होप आपको क्लियर होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चार स्टेज होते हैं इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेचोरिटी डिक्लाइन इंट्रोडक्शन में सेल्स कम होगा प्रॉफिट नहीं होगा ग्रोथ में सेल्स बढ़ेगी प्रॉफिट आएगा मेचोरिटी में हाईएस्ट प्रॉफिट होती है हाईएस्ट सेल होता है वहीं पे सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और डिक्लाइन में सेल्स एकदम नीचे चला जाता है और प्रॉफिट भी नीचे आ जाती है वहाँ पर उसको कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वो या तो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे या फिर उस प्रोडक्ट में इंप्रूव करके दोबारा से लॉन्च करे या फिर उस प्रोडक्ट को बंद कर दें प्रोडक्ट मिक्स तो प्रोडक्ट मिक्स में हम चार चीजें देखेंगे क्या है प्रोडक्ट लाइन क्या है तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सेम सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेम नीड को फुलफिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रोडक्ट लाइन सपोज करिए मेरे पास मैं टूथपेस्ट बनाता हूं तो मेरे पास टूथपेस्ट की मल्टीपल वेरियंट्स हैं तो पूरा टूथपेस्ट एक लाइन हो गया वो प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा ठीक है तो एक प्रोडक्ट लाइन हमारा क्या गया टूथपेस्ट तो ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट विथ क्या है तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ए कंपनी है मीनस किसी कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट लाइन होंगे वो सारे मिलके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट विड्थ प्रोडक्ट लेंथ क्या होगा प्रोडक्ट लेंथ रिफर करता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मैक्स मींस आपके पास टोटल कितने आइटम है जो आप मार्केट में ऑफर करते हैं सेल करते हैं वो चीज क्या कहलाती है लेंथ प्रोडक्ट लेंथ प्रोडक्ट डेप्थ क्या है प्रोडक्ट डेप्थ क्या है हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर ऑफर्ड यानी एक प्रोडक्ट लाइन में कितने वेरिएंट्स आप किसी प्रोडक्ट के सेल कर रहे हैं वो चीज़ क्या कहलाती है प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी क्या है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मीन्स हाउ क्लोजली रिलेट द वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर इन एंड यूज मीन्स जो कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में कितने रिलेटेड हैं वो हो सकता है कि उनके यूज़ के बेसिस पर रिलेट हो सकता हो सकता है उनकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर रिलेट हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो सकता है मीन्स वो कंसिस्टेंसी कितनी है आपके डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी आप ऑफर करते हैं सेल करने के लिए